हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक इन बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज अ प्रोटीन्स. ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन्स होता क्या है, कहाँ से बनता है, ठीक है, वो चीज़ हमने आज डिस्कस करनी है. ठीक है, अब देखो बेटा, आपकी जो बॉडी में कुछ प्रोटीन्स क्या हैं, बेसिकली अपने आप ही बनते हैं, और जो नहीं बनते वो हमें लेने पड़ते हैं, इनटेक करने पड़ते हैं बाहर से. जैसे आप क्या लेते हो, बेसिकली दालें खाते हो, ठीक है ना, पल्सेस बोलते हैं जिनको, सीरियल्स बोलते हो, ठीक है, ग्राउंड नट्स बोलते हो, ड्राई फ्रूट्स, उनमें भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. बेसिकली वो किस लिए हेल्प करते हैं, स्किन के लिए हेल्पफुल होते हैं, हेयर्स के लिए होते हैं हेल्पफुल, ठीक है, नेल्स के लिए हेल्पफुल होते हैं. प्रोटीन्स तो इसी चीज़ में हेल्पफुल रहेगा. तो बेसिकली कुछ प्रोटीन्स आपकी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं, मतलब खुद बनते हैं, और जो नहीं बनते वो हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं. ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन्स आया कहाँ से है, कहाँ से ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ. बेसिकली प्रोटियोज एक ग्रीक वर्ड था, प्रोटियोज, वहां से इस वर्ड को क्या किया गया, डिराइव किया गया, डेट इज प्रोटीन्स. प्रोटियोज जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ ना कुछ क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लाइफ. अगर आपको लाइफ को चलाना है तो प्रोटीन्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब अगर हम केमिकली बात करें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं, पॉलीमर्स हैं, किसके, अल्फा अमीनो एसिड. तो यहाँ से आपको डेफिनेशन को समझना है, अल्फा अमीनो एसिड, अमीनो का मतलब क्या है, कोई ना कोई NH2 ग्रुप होगा, अमीनो का मतलब, एसिड्स का मतलब क्या है, कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा. और अल्फा अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे ऑर्गेनिक में, कि अल्फा को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते थे, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या होता है, डेट इज अ अल्फा. क्लियर, तो हमने बेसिकली इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो किस टाइप से बना होगा. देखो अल्फा अमीनो एसिड, इसका मतलब क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बन के साथ मैंने क्या लगा दिया, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप. और अल्फा पे क्या लगाना है, अमीनो, मतलब अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, इसको हम प्रेफरेंस देंगे, इसके साथ वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, इसके साथ क्या होगा, दैट इज अमीनो ग्रुप. इसकी वैलेंसी पूरा कर दो आगे, यहाँ पर एच होता है और यहाँ पर क्या होता है, आर, आर इज एनी अल्काइल ग्रुप. और ये जो आर होता है, डैट इज एन अल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे आर आर चेंज करते रहोगे, आपके जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे. ठीक है, तो डैट इज द फॉर्मूला ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स. क्लियर, क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से. तो वो अभी हमने देखने हैं कि आर ग्रुप को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास कौन सा अमीनो एसिड बनता है. क्लियर, सेकेंड थिंग, जो हमारे पास बेसिकली अमीनो एसिड नेचुरली, जो अमीनो एसिड होते हैं नेचुरल, नेचर में जो पाए जाते हैं, वो बेटा हमेशा एल फॉर्म में पाए जाते हैं. ये चीज़ आपने ध्यान रखना, एल फॉर्म क्या होती है, बेसिकली दैट इज लिवो रोटेटरी. ठीक है ना, कभी भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में नहीं पाए जाते, किस में पाए जाते हैं, लिवो रोटेटरी फॉर्म में. ठीक है, वे इसकी कन्फिगेशन अभी हम असाइन करेंगे बाद में. ठीक है, पहले इस चीज़ को देखो. अब आपने अल्फा अमीनो एसिड तो बनाना सीख लिया बेसिकली, कि अल्फा अमीनो एसिड्स क्या हैं, बेसिकली जहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हो, अमीनो ग्रुप, उसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ बात करूँ कि बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, तो आपको अगर ये ग्रुप आ गया बनाना, कि क्या चीज़, दैट इज अमीनो एसिड, अगर मुझे इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है डी एल एल कॉन्फ़िगरेशन, डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल का मतलब क्या है, लिवो रोटेटरी, तो मैं क्या चेंज करूँ इस स्ट्रक्चर में कि आपके पास डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बन जाए. थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना ग्लूकोज को, डी कैसे बनता था, अगर राइट हैंड साइड ओ एच होता था, और L कैसे बनता था, जब लेफ्ट हैंड साइड OH होता था. यहाँ पे कौन सा ग्रुप इंपॉर्टेंस रखेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की अमीनो ग्रुप, अल्फा अमीनो एसिड्स, अमीन से बना है प्रोटीन्स, तो मतलब एमाइन ग्रुप. अगर एमाइन ग्रुप कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड है तो L, और अगर राइट हैंड साइड है तो, चलो अभी सीखते हैं इसको. इससे पहले ये चीज़ देखो, ये क्या आपके पास अल्फा अमीनो एसिड, अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखूँ, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन रही है, एक दो तीन चार, एस पी थ्री के अकॉर्डिंग कौन सी ज्योमेट्री होती है, डैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. तो इस स्ट्रक्चर को मैं और कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, ध्यान से देखना, ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, सी यहाँ पर क्या है आपके पास, दिस वन
इस तरीके से, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यहाँ पर क्या है, कहीं पर भी लगा दो, डैट इज एन एच टू, यहाँ पर एच आ गया, यहाँ पर आर आ गया, और क्या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो, डैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कहीं पर बुक्स में दिया होता है, क्लियर है इतनी बात, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लोगे, हो जाएगा इतना, ये नोट डाउन करो, फिर डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन बताते हो फटाफट, ये दो स्ट्रक्चर्स नोट डाउन कर लो। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा था, ये आर ग्रुप क्या है, कुछ भी हो सकता है, आर मे बी एनी एल्काइल ग्रुप और मे बी एन हाइड्रोजन और मे बी दैट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम हाउ मच दे विल अटैच टू दिस ग्रुप। ठीक है, तो आर अगर मैं, मुझे क्या बनाना है, अमीनो एसिड, अगर मैं ये आर ग्रुप चेंज करती जाऊँ तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते चले जाएंगे, अमीनो एसिड्स, तो जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही बनाऊंगी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो बेसिकली हम वो इतना नहीं पढ़ेंगे, जो चार या पाँच इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आर ग्रुप को क्या पुट कर दूँ, हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एच सी एच एन एच टू दैट इज सी ओ एच, क्लियर, तो आपको इसका नाम याद रखना है, इसका नाम क्या होगा, दैट इज ग्लाइसिन, क्लियर, अगर यहां पर आर की जगह क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो इसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिन, दैट इज अ अमीनो एसिड। अगर मैं बोलती हूं इस आर की जगह क्या आ जाए, बेसिकली सी एच टू ग्रुप आ जाए, दैट इज अलानीन, क्या नाम होगा, दैट इज अलानीन, अरे बस समझ, अगर मैं आर की ग्रुप जगह एच पुट कर दू तब क्या होगा, ग्लाइसिन। अब आर की जगह अगर आइसोप्रोपाइल, मतलब सी एच थ्री वोल्ट वाइज सी एच, अगर ये ग्रुप लगाओ तो इसका नाम क्या होगा, दैट इज वेलिन, याद रखना, दैट इज वेलिन। अगर R की जगह आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हो तो नाम होगा ल्यूसीन, याद रखने, डेट इज ल्यूसीन। R की जगह अगर NH2CH2 4, मतलब ब्यूटाइल ग्रुप के साथ क्या लगाओ, एक एमाइन ग्रुप लगाओ, ठीक है ना, तो उसका नाम लिखे, उसका नाम होगा डेट इज लाइसीन, उसका नाम होगा लाइसीन, याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। और अब R की जगह अगर COOH CH2 होल ट्वाइस, अगर ये वाला ग्रुप लगाओ तो इसका नाम होगा ग्लूटामिक एसिड, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट लास्ट, अगर R की जगह PHCH2 दैट इज फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप समझते ना, C6H5, और साथ में CH2 लगाओ तो इसका नाम होगा दैट इज फिनाइल अलानीन, दैट इज फिनाइल अलानीन। बस इतने आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, ग्लाइसिन, अलानीन, वैलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड एंड फिनाइल अलानीन। तो अगर आर ग्रुप आपके पास क्या हो, सी एच टू हो, तो उसको नाम हम देते हैं अलानीन, ठीक है, तभी यहाँ पर क्या आया, फिनाइल अलानीन। ठीक है, चले अब आगे। हाँ जी, नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, हमें नेमिंग कैसे देनी है, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी तक आपने अल्फा अमीनो एसिड का क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर, दिस वन आर, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या था NH2, और यहाँ पर क्या था COH, यही पढ़ा था, डेट इज अल्फा अमीनो एसिड। इफ यू वॉन्ट टू गिव द नेम ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एज अ डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, देन हाउ विल यू गिव, सो रिवाइंड द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में रिवाइंड करते हैं, अगर हम OH अगर आपके पास राइट साइड में लगा होता है, और वो भी कौन से कार्बन का, फिफ्थ कार्बन का, ठीक है, तो इसको नाम क्या देते थे हम, डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर OH हमारे पास लेफ्ट में लगा होता था तो उसको हम क्या देते थे, एल कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें। तो सिमिलरली केस किस में अप्लीकेबल होगा, अमीनो एसिड्स में, अगर यहाँ पर अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है तो क्या होगा, एल अमीनो एसिड, और अगर राइट हैंड साइड में लगा हुआ है तो क्या होगा, डी अमीनो एसिड। कैसे, देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, ये कार्बन हो गया, यहाँ पर क्या है COH, अगर मैं यहाँ पर NH2 ग्रुप कहाँ पर लगा दूँ, इधर, कहाँ पर लगाया ये, लेफ्ट हैंड साइड, आगे तो H है, और यहाँ पर क्या लगा दूँ, R लगा दो, ये मैंने इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया, तो ये क्या बन गया, L अमीनो एसिड्स, क्लियर। अगर मैं यही वाली चीज़ कहाँ पर लगा दूँ,
राइट हैंड साइड में, यहां पर H और यहां पर R, तो ये क्या बन गया, दैट इज डी अमीनो एसिड्स। क्लियर? मोस्टली नेचर में ऐसा देखा गया L अमीनो एसिड ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं एज कंपैरेटिवली टू डी अमीनो एसिड्स। क्लियर कर लोगे? चलो नोट डाउन कर लो, फिर आगे चले। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ एसेंशियल एंड नेक्स्ट वन इज अ नॉन एसेंशियल। क्लासिफिकेशन हम किसके पढ़ रहे हैं, ये वैसे अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन, क्योंकि अमीनो एसिड से ही क्या बनते हैं आपके पास, प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम किसकी पढ़ने हैं, अमीनो एसिड्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर देयर ऑफ टू टाइप्स, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो एक चीज बताओ, इसेंशियल का मतलब क्या, जो जरूरी होते हैं, नॉन इसेंशियल जो जरूरी नहीं होते। तो इन दोनों में से ऐसे कौन से अमीनो एसिड होंगे जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी पाए जाते हैं, इसेंशियल की नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल ऑब्वियस ही बात है ना, जिसको हमें जरूरत ही नहीं है, हमारी बॉडी में खुद ही क्या होते रहते हैं, वो बनते रहते हैं। तो डैट आर द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड, सॉरी विच आर सिंथेसाइज्ड इन आर बॉडी, डैट इज नोन एज द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। बट इसेंशियल्स क्या होते हैं बेसिकली, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। जैसे हम बेसिकली क्या ले लेते हैं, दालें खा लेते हैं, बताया था ना मैंने अभी, ठीक है, सीरियल्स खा लेते हैं, पल्सीज, सीरियल्स और ग्राउंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स। तो इन सब में क्या होता है बेसिकली, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो नोट डाउन कर लो, इसेंशियल अमीनो एसिड्स लिख लो जरा, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आर बॉडी, that is known as the essential amino acid, that is known as the essential amino acid। example के तौर पर आप ले सकते हो, that is lysine, phenylalanine, अभी पढ़े हैं ना हमने, ये दोनों ही पढ़े हैं, lysine और phenylalanine। ठीक है, next non essential amino acids क्या होते हैं, which can be synthesized इन आर बॉडी। ठीक है, इनको तो हम बाहर से ले सकते हैं, इनको नहीं ले सकते। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, डैट इज ग्लाइसिन, नेक्स्ट अलानीन। क्लियर, ग्लाइसिन एंड अलानीन। हाँ जी, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। अगर मैं बात करूँ अमीनो एसिड की, आपने ये वाला ग्रुप देखा है बेसिकली अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड कैसे बनता था, आपके पास ये था, यहाँ पर आपके पास एच और यहाँ पर आर, दैट इज एल अमीनो एसिड। अगर मैं बात करूँ इसमें एसिडिक और बेसिक करेक्टर कैसे पता चल रहा है, देखो ये क्या है, एसिड है, तो मतलब ये एसिडिक करेक्टर भी शो करेगा। नेक्स्ट NH2 कौन सा है, अमीनो ग्रुप, ये क्या होता है, बेसिक, तो ये क्या है, बेसिक करेक्टर भी शो करेगा, एसिडिक और बेसिक। तो उसके बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे अमीनो एसिड्स को, तो ये तीन पार्ट्स में आपके पास डिवाइड है। फर्स्ट वन इज द एसिडिक, सेकेंड वन इज द बेसिक एंड थर्ड वन इज द न्यूट्रल। क्लियर, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक का मतलब क्या है, मतलब जो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपैरेटिवली टू बेसिक। अभी मैंने आपको पीछे कराया था कि अगर आप आर ग्रुप को चेंज करते जाओ तो आपका क्या हो जाता है, अमीनो एसिड चेंज होता चला जाता है। तो कोई एक ऐसा मैंने उसमें अमीनो एसिड कराया था जहां पर यहां पर सी ओ एच ग्रुप भी आ रहा था आर में, अगर आप देखो ना, ग्लूटामिक एसिड शायद मैंने कराया था, सी ओ एच सी एच टू होल ट्वाइस कराया था कुछ ऐसे, चेक इट, इसका नाम क्या था, दैट इज ग्लूटामिक। अगर मैं इस ग्रुप को यहां पे जोड़ देती हूं, अगर मैं इस ग्रुप को यहां पे जोड़ देती हूं, तो ऑलरेडी इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हमने ये वाला भी जोड़ दिया, तो कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए, दो, और अमीनो ग्रुप कितने हैं, ओनली वन, वन है ना अमीनो ग्रुप, दैट इज एन एच टू। अगर मैंने आर ग्रुप में यहां पर क्या जोड़ दिया, सी ओ एच सी एच टू होल ट्वाइस, एक सी ओ एच ग्रुप ये और दूसरा सी ओ एच ग्रुप और अमीनो ग्रुप एक है, तो यहां पर दो एसिड वाले ग्रुप हो गए कंपैरेटिवली टू
बेसिक, तो वहां पर एसिडिक करेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। तो मतलब अगर आपके पास यहां पर अगर मैं क्या बात करूं, एसिडिक ग्रुप ज्यादा है किससे, बेसिक ग्रुप से, तो उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, बेसिकली बढ़ जाएगा। उसके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया दैट इज ग्लूटामिक एसिड, क्लियर। अब आ जाओ बेसिक की बात। अब मैंने कोई NH2 वाला भी करवाया था, चेक इट, क्या नाम था उसका देखो, NH2 CH2 4, यही था, इसका नाम क्या था, लाइसीन। अगर मैं यहां पर R ग्रुप की जगह ये वाला ग्रुप अटैच कर देती हूँ, यहां पर क्या है NH2, यहां पर क्या है, कौन सा ग्रुप ज्यादा बढ़ गया, बेसिक की एसिडिक, बेसिक। तो मतलब अगर यहां पर बेसिक ग्रुप बेसिकली एसिडिक ग्रुप से ज्यादा हो तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका एग्जांपल आप क्या पढ़ चुके हो, लाइसिन, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट पे आ जाओ, न्यूट्रल, न्यूट्रल में क्या होगा, जहां पे एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों के दो क्या होंगे, कोई एग्जाम्पल बताओ कौन सा ले सकते हैं, हाँ ग्लाइसिन ले सकते हैं, एलानीन ले सकते हैं, यहां पर क्या है आर की जगह हाइड्रोजन अगर पुट करें तो क्या है, एक ही एसिडिक ग्रुप होगा, एक ही बेसिक होगा। अगर मैं आर की जगह सी एच टू ग्रुप पुट कर देती हूँ तो डैट इज एलानीन, एक ही सी ओ एच ग्रुप होगा और एक ही एन एच टू ग्रुप होगा, तो डैट इज अ न्यूट्रल। समझ आ रही है बात, दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन आर बॉडी, क्योंकि दीज आर द न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, क्लियर है, कर लोगे। तो यहाँ पे बेटा हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बेसिकली हम यहाँ पर फिनिश करते हैं इसको। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन मेन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।